आल जे एन के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से आज उनके चेयरमैन को जो है वो नियुक्त किया गया है। काफी लंबे समय से अगर बात करते हैं ये कारोबार जो है वो कोई संभाल नहीं रहा था, क्योंकि टी एस वजीर जी के चले जाने के बाद जिस तरह से कहते हैं इसकी नियुक्ति जो है वो नहीं हो पाई थी। अभी के विजुअल्स जो है ये मैं आपको अमर सिंह क्लब से दिखा रही हूँ, जहाँ पर उनके आज चेयरमैन की जो है वो नियुक्ति जो है वो हुई है और सब लोग जो है वो आज बहुत खुश हैं। जिस तरह से हार पहनाकर जो है वो उनका स्वागत और उनका अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। तो ये विजुअल जो है ये मैं आपको सीधा वहीं से दिखा रही हूँ। तो आपको ये विजुअल्स जो है हम वहीं से दिखा रहे हैं और को दिखाते हैं कि अजीत सिंह को जो है नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। ये विजुअल्स जो है बिल्कुल अमर सिंह क्लब से हैं, जहाँ पर टीएस वजीर जी के चले जाने के बाद जो है अभी तक वो पद जो है वो खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पे किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। वही अजीत सिंह को जो है ये बनाया अजीत सिंह तो लोग जो है वो उनका हार पहनाकर जो है वो स्वागत जो है वो कर रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी है। बनाई हुई ये एक फुलवारी थी जो एक गुलदस्ता था। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि इसको वैसे ही इस गुलदस्ते को एकदम पूरा जोड़ के इस फुलवारी को साथ में लेके समूह समाज को स्मूथ ट्रांसपोर्टरों को सबको इकट्ठा लेके एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाएं। अजी साहब काफी परेशानी थी पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर ने काफी प्रदर्शन भी किए पर जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से बात को पूरी तरह से उनका मसला हल नहीं हुआ, क्या उनके मसले हल करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, अभी हम एक अच्छी टीम गठित हुए हैं। वजीर साहब के बाद में कुछ प्रॉब्लम थी जो एक रिप्रेजेंटेटिव ना होने के कारण सरकार तक पहुंच नहीं पाई थी। अभी एक अच्छी टीम है, हम एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाएंगे। उस ब्लूप्रिंट के तहत ट्रांसपोर्टरों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम सरकार तक पहुंचाएंगे और वो मसले हल करने की पूर्ण जोर से कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। सर जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज थे आपने देखा पिछले दिनों में, क्या आप वो हल हो जाएंगे जल्द से जल्द आपकी जो नियुक्ति हुई है उसके बाद? देखो जी, ये हम कोशिश करेंगे, एक अच्छी टीम गठित हुई है, पूरी टीम मिलके हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। थैंक यू जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह जी को जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि टीएस वजीर जी के बाद में काफी देर में अगर कहें तो ये जगह जो है खाली पड़ी हुई थी। और साफ तौर पर आपको बता दें कि लोग जो है वो बहुत खुश है और वेलकम कर रहे हैं, एक अच्छी टीम का जो है वो गठन हुआ है, एक अच्छी टीम का जो है वो गठन हुआ। वहीं आपको बता दें यहाँ पर जो है सब मौजूद है और उनका कहना है कि एक अच्छी टीम का लाया जाना मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स के मसले हैं वो जल्द से जल्द जो है वो हल हो सके। लेकिन अभी के जो सीधा विजुअल्स है ये मैं आपको अमर सिंह क्लब से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, जहाँ पर बहुत खुश है उनकी यूनियन के मेंबर्स भी और अजीत सिंह जी को चुना गया है, क्योंकि टीएस वजीर जी के जाने के बाद ये जगह जो है वो काफी जो है वो खाली पड़ी हुई थी और ट्रांसपोर्टर्स के बहुत से इश्यूज थे। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है उनके इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए कोई कमेटी जो है वो गठित नहीं थी, लेकिन उनका कहना है कि आज तो सिर्फ जो है वो नियुक्ति की गई है और नियुक्ति के बाद हो सकता है कि जल्द से जल्द जो उनके मसले जो है काफी हद तक जो है हल हो सकते हैं। हालांकि पहले ये पद खाली था, अभी पद भरा गया, लेकिन अभी सिर्फ उनकी नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति के बाद जो उनकी बॉडी है वो किस तरह से कमेटी जो है गठित हुई है, किस तरह से कार्य करती है, देखना बहुत जरूरी है और ट्रांसपोर्टर्स के जितने भी इश्यूज है उसे जो है हल किया जा सकता है। तो आपकी नजर में क्या सबसे मेन इश्यू है जिसे हल किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान का तालाब।